ग्रेड बीफ पैटी है ना, कमाल का टेस्ट है इसका। सारे बर्गर का टेस्ट जो है ना पैटी के अंदर क्या खत्म हो गया यार। ये मौलवी साहब ने लोगों को सही गुमराह किया हुआ यार लाहौर के अंदर। इनका लगता है पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा यार। आपको शर्म नहीं आती? माशाल्लाह आपने दाढ़ी रखी हुई है, नमाजी परहेज इंसान लगते हैं, दिखने में भी शरीफ इंसान लगते हैं, लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल बना बना के। आज का व्लॉग मौलवी साहब के ऊपर, आज हम करेंगे इनके रिव्यू का रिव्यू, मतलब जो ये रिव्यू दे रहे हैं हम चेक करेंगे कि इनका रिव्यू सच है या झूठ है। हाँ यार, कहाँ पे एक मौलवी है लाहौर में, वीडियोस बनाता है, फूड वीडियोस बनाता है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उसके जो रिव्यू किया हुआ है ना उसको हम चेक करें। तो घर ही है, चलो उधर रुक में आ रहा हूँ। अब तो ये वो जगह है जहाँ पे मौलवी साहब ने वीडियो बनाई थी। हम लोग आ गए हैं इधर, बर्गर ऑर्डर करेंगे अंदर बैठ के। भी चलते हैं अंदर। फ्रंट तो आपके सामने इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा यार, साकिब ने व्लॉग में क्या खाया था? साकिब ने तो एक बीफ बर्गर और एक चिकन पराठा मंगाया था। यार ये दोनों तो फिर मैं खा जाऊंगा, तुम्हें खाएगा ये का साथ में? कुछ और भी ट्राई कर लेना। हाँ साहब, दिन तराश है यार। यार ये बताओ क्या अच्छा बना लेता है इस पर? चिकन फजीता, मलाई, पेरी पेरी बर्गर। पेरी पेरी कैसा होता है? स्पाइसी होता है। ये चिकन टिक्का बर्गर में क्या है? टिक्का भी है, ग्रिल सारा स्पाइसी हो गई है। स्पाइसी हो जाएगा जी? नहीं यार, स्पाइसी फजीता या मलाई बर्गर। चल फिर फजीता चेक कर लेते हैं, चिकन फजीता बर्गर मेरा वो कर लेते हैं। तो आपको चेक करने आए हैं, आपने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, करें चेक, कोई मसला नहीं। आपको लगता मैं गलत बताता हूँ? यार आपको शर्म नहीं आती? माशाल्लाह आपने दाढ़ी रखी हुई है, नमाजी परहेज इंसान लगते हैं, दिखने में भी शरीफ इंसान लगते हैं, लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के कहीं भी चले जाते हैं, वीडियोस बना के आ जाते हैं, लोग बेचारे आपके पीछे लगे हुए हैं सारे, वो तो आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपको तो ख्याल करना चाहिए। आप माशाल्लाह थोड़ा ईमानदारी से रिव्यूज़ दिया करें। अच्छा यार, काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है ना, जो हमारा फूड है वो सर्व हो गया है, और मिस्टर वलीद साहब उनके पेट में चूहे तो उड़ रहे हैं। अभी ये नदीदे बच्चों की तरह खाना खाएँगे, उनको देख लेते हैं। अच्छा यार, वैसे तो मैं फ़ास्ट फूड ना रूटीन में कम ही खाता हूँ, तो चिकन फजीता बर्गर मैं गालिबन बहुत ही कम खाया, और काफ़ी अरसे बाद दोबारा खाने लगा हूँ। देखते हैं जी कैसा है। ये रहा जी चिकन फजीता बर्गर। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। जन्नती 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 जन्नती, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। एक बात तो पता लगी कि मौली साहब जो बातें कर रहे थे वो गलत नहीं है, वाकई मज़ेदार है। एक बाइट और लेकर देखते हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं सही कह रहा था, गलत कह रहा था? नहीं यार, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे खाने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि बर्गर वाकई मज़ेदार है। मौलवी साहब के रिव्यूज़ झूठे नहीं होते, सच बोलते हैं। सॉरी यार, मैंने आपको बहुत जलील किया शुरू में, ज़्यादा करना चाहिए, मतलब नहीं करना। अल्लाह गुड, नहीं बात तो आपकी ठीक है, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, तो आज अल्लाह ने इनकी इज्जत रख ली है, सही बात है। बर्गर वाकई अच्छा है। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो बहुत ज़्यादा जूसी नहीं है बना, वो अक्सर बर्गर होते हैं जो बाइट करो इधर से सॉस निकल रही है, उधर से सॉस निकल रही है, तो दाढ़ी भी सारी फैल रही है, बट इट्स क्वाइट के बहुत ज़्यादा जूसी नहीं है, एक नेचुरल सॉस डाली भी अच्छा है। साकिब भाई यार, आपका रिव्यू सही है, आप गलत नहीं कह रहे थे।